हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राग एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है। इससे बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने पॉलिनोमियल से रिलेटेड मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में डिस्क्राइब भी कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने हमारे जो स्टार्टिंग वाले लेक्चर हैं उनको आप जरूर वॉच कर लें, ताकि कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहे। और उसके बाद में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, जो भी फार्मूले हो सकते थे, वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। अब हमें आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि पॉलिनोमियल में हमें एक्सरसाइज भी आपको रन कराना है। तो जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेशन आपको मिल सके। आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल 2.1 हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो थर्ड क्वेश्चन, मैंने टू क्वेश्चन आपको डिस्कस भी कर दिया है, थर्ड क्वेश्चन से हमें आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री ए का एक शून्यांक 3 है। यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को, ऑलरेडी से ये नोट है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस थ्री ए, ये आपका एक बहुपद दिया हुआ है और इसका एक शून्यांक दिया हुआ है। एक अल्फा हम लेट कर लेते हैं और बीटा लेट कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी द्विघात समीकरण में जो उसका शून्यांक होते हैं, अल्फा और बीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या डायरेक्टली शून्यांकों का योगफल। मैंने आपको पहले बताया भी था कि शून्यांकों का योगफल कितना होता है, माइनस बी अपान ए होता है। तो ये आपको और आगे मिलते जाएंगे। इसी तरह से ये अल्फा मैंने डिस्क्राइब किया, यहाँ पर अल्फा और बीटा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवेन है कि एक शून्यांक 3 दिया हुआ है और अल्फा की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एक शून्यांक आपका बीटा दिया हुआ है 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो शून्यांकों का योगफल होता है माइनस बी अपान ए होता है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमने जो शून्यांक लिए हैं आपके अल्फा और बीटा ही लिए हैं। तो यहाँ पर ये होता है माइनस का बी अपॉन ए। अब ये बी क्या है, अब ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको हमें कंपेयर करना होगा। ये जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री ए, इसको हमें इस इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ए की वैल्यू यहाँ पर 1, क्योंकि इसका कोफिशियंट लेते हैं। एक्स स्क्वायर क्या है, उसका गुणांक। इसके गुणांक में कितनी वैल्यू दी है, अगर हम यहाँ लिख देते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर ही आएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर जो ए की वैल्यू लिखी है वो 1 है। और इसी प्रकार से बी की वैल्यू हमें लिखना है, तो -1 साइन के साथ में लिखेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी से प्लस दिया हुआ है और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, माइनस एक्स। तो हमें बी की वैल्यू पता चल गई -1। और इसी तरह से हम सी लिख लेते हैं, सी की वैल्यू होती है सी की वैल्यू है यहाँ पर 3a। तो ये लिख लेते हैं सी की वैल्यू, इसी इक्वेशन से मैंने कंपेयर कर लिया है। अब ये अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है इसको हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपान ए दिया हुआ है। अब बीटा की वैल्यू वहां पर दी हुई है और हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो माइनस बी, अब बी की वैल्यू यहां पर क्या दी हुई है, -1, और यहां ऑलरेडी से साइन आपका माइनस है, तो यहां पर एक माइनस तो पहले से रहेगा और -1। और अपान ए, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 दी हुई है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब प्लस का 1 आता है तो हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको हम पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ माइनस की वैल्यू हो जाएगी 3।
ये 1 में 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी माइनस का 2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस का 2। यही हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना था और इसी तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ है, यदि बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस 2 के यक्स प्लस 2m के शून्यांक 2 तथा 3 है तब के और यम का मान बताना है। अब इसको भी हमें इसी प्रकार से सॉल्व करना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है थर्ड के जैसा ही। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। इस फोर्थ क्वेश्चन को नोट करते हैं, जो px की वैल्यू दी हुई है पॉलिनोमियल 3x² माइनस 2kx और प्लस 2m, और हमें इसमें शून्यांक दिए हुए हैं। अल्फा की वैल्यू है 2 और बीटा की वैल्यू है 3 और के का मान और यम का मान बताना है। तो हमें पता है कि शून्यांकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो सबसे पहले हमें कंपेयर कर लेंगे ax² से। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू दी हुई है हम आप डायरेक्ट कर रहे हैं, मैंने थर्ड क्वेश्चन आपको बताया है, उसी तरह से हमें ax² प्लस bx से हमें क्या करना है, ये इक्वेशन दी हुई है और जनरल इक्वेशन से हमें क्या करना है, कंपेयर कर देना है। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 3, बी की वैल्यू दी हुई है माइनस 2 और के, और यक्स का कोफिशियंट ही होता है बी, और सी की वैल्यू आपकी दी हुई है 2m। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी से, 2 प्लस 3, यहाँ पर लिख देते हैं 2 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का बी अपान ए, माइनस दिया हुआ है और माइनस का 2k अपान ए ये दिया हुआ है। ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2k अपान 3। अब देखिए यहाँ पर k की वैल्यू क्या निकल के आती है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ 1 लेट कर लेते हैं और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 5 × 3 इज इक्वल टू 2k × 1। अब यहाँ पर से k की वैल्यू निकालना है तो ये डिवीजन में हो जाएगा, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 15 और ये 2 जो आ जाएगा यहाँ पर डिवीजन में हो जाता है, तो ये k की वैल्यू आपकी निकल के आती है। अब यहाँ से हमारी k की वैल्यू निकल के आई है और इसी प्रकार से हमें क्या करना है, यम की वैल्यू निकालना है। तो यम की वैल्यू हम इस इक्वेशन से कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम नोट करके बताते हैं कि अल्फा इंटू बीटा गुणनफल क्या होता है, इसका सी अपान ए होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनफल कर देंगे, 2 × 3 दिया हुआ है अल्फा बीटा की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या दी हुई है, 2m सी अपान ए की वैल्यू दी हुई है आपकी 3। तो देखिए यहाँ पर से क्या निकल के आता है, m की वैल्यू 6 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि 2 3 या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा 2m अपान 3। अब इसको और सॉल्व करते हैं, सेम वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो 6 × 3 इज इक्वल टू 2m, और सॉल्व करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 × 3 अपान 2, 2 से ये 2 पड़ जाएगा, 2 3 या 6। तो m की वैल्यू जो निकल के आती है आपकी, यम की वैल्यू जो आएगी 3 × 3 है तो 3 3 या 9 आ जाएगा। तो यम की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 9 आ गई। ये आपके क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया है। अब इसके बाद में हमें फिफ्थ क्वेश्चन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी से लेक्चर में बता दिए हैं, तो पिछले वाले ज्यामितीय अर्थ का मतलब बताना है, तो शून्यांकों के मैंने ज्यामितीय अर्थ भी बताए थे और द्विघात समीकरण, लीनियर इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन यानी कि त्रिघात समीकरण के भी मैंने ज्यामितीय अर्थ बताया था, तो उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है।
अगला क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन में जाना है। रैखिक बहुपद 2x प्लस 5 को ग्राफ पेपर पर निरूपित कीजिए तथा इसका शून्यांक भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक्सक्यूज मी, यहाँ पर दो चीजें निकालनी है सिक्स क्वेश्चन में। एक आपका बहुपद दिया हुआ है, px भी लिख सकते हैं या y भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर ये दिया हुआ है 2x प्लस 5, ये आपका एक रैखिक समीकरण गिवन है। अब इस क्वेश्चन में हम पहले सिंपल सा निकाल लेते हैं कि इसका शून्यांक क्या होगा। शून्यांक आपका होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस का बी अपान ए। अल्फा इसका एक ही शून्यांक निकल के आएगा, माइनस का बी अपान ए, सॉरी यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 5/2। इसका एक शून्यांक जो आएगा वो माइनस का 5/2 आएगा और एक ही निकलेगा क्योंकि ये रैखिक समीकरण है। यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन होगी उसमें जो रैखिक समीकरण होगा उसमें क्या होगा कि एक ही शून्यांक आपका आंसर निकल के आता है, लेकिन जो द्विघात समीकरण होता है उसमें दो निकल के आते हैं, क्यूबिक इक्वेशन होती है उसमें तीन निकल के आते हैं। तो ये तो अकॉर्डिंग टू घातों के आधार पर मैंने जब आपको टाइप बताए थे उसी से रिलेटेड ही है। अब यहाँ पर क्या करना है, निरूपित करना है कि इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा। अब मैंने आपको, आप अगर थोड़ा सा ध्यान भी दिया होगा आपने, तो ये भी मैंने बताया था कि कोई भी अगर रैखिक समीकरण होता है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, यानी कि एक सीधी रेखा बनती है। आप यहाँ पर बना के देख भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहले हमें इसके पॉइंट निकालने होंगे। तो पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, वाई इक्वल टू, हमने नोट डाउन कर लिया 2x + 5, ये एक इक्वेशन दी है यहाँ पर रैखिक समीकरण में। अब इसमें क्या करना होगा, अगर हम x की वैल्यू ले लेते हैं, आप कोई भी नेचुरल नंबर यानी कि होल नंबर लेकर के 0 से लेकर के 1, 2 प्लस माइनस आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं x की वैल्यू, और उसके बाद में या वाई की वैल्यू ले सकते हैं, तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल आएगी। तो हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू हमने 1 ले लिया तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आती है, 2 × 1 + 5 यानी कि 7। y की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 7 निकल के आती है। अब इसी प्रकार से अगर हम y की वैल्यू को हम माइनस का 2 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, माइनस का 2 ले लेते हैं, तो कितना निकल के आता है यहाँ पर x की वैल्यू, मैंने अभी यहाँ पर लेट कर लिया है y की वैल्यू -2, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, देखिए मैंने y की वैल्यू क्या ली है, माइनस का 2 इज इक्वल टू, हमें x की वैल्यू निकालना होगा 2x + 5। अब देखिए यहाँ पर ये 5 है, 5 को हम इधर ले आएंगे तो ये -2 - 5 इज इक्वल टू 2x, तो कितना निकल के आएगा, माइनस का 7। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, माइनस का 7/2। 7/2 को अगर हम लिखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, पॉइंट में 3.5 निकल के आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 3.5। अब यहाँ पर जो मैंने चार्ट आपको बताया था, यहाँ पर आप नोट डाउन भी कर सकते हो कि जो मैंने चार्ट आपको बताया था उसी तरह से आप इसको चार्ट में बना सकते हो, और दो ही पॉइंट से ही आप निकाल सकते हैं कोई भी जो ग्राफ बनेगा वो आप ग्राफ भी बना सकते हैं। तो x की वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर, और y की वैल्यू, एक 1 मैंने लेट की थी और 7 निकल गया था, और दूसरी y की वैल्यू मैंने लेट की थी माइनस का 2, और इसकी जो वैल्यू निकल गया है माइनस का 3.2। करने के लिए हम एक लाइन ले लेते हैं x एक्सिस, और इसके बाद में y एक्सिस एक मैंने लाइन ले लिया है। अब हमें इस लाइन में क्या करना होगा, पॉइंट बनाने होंगे, क्योंकि पॉइंट जो हमारे होते हैं ये 0.1, 0.2 इस तरह से होते हैं, एक ग्राफ होता है, लेकिन ये ग्राफ अभी इसमें गिवन नहीं है, तो हम आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करके बताते हैं किस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हमें इसमें पॉइंट यहाँ पर डिनोट कर लेना है, ये आपका, इसको बोलते हैं x एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको x एक्सिस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, y एक्सिस। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से मैंने यहाँ पर ले लिया। अब इसी तरह से हमें क्या करना होगा, इधर भी करना होगा 1 2
फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और इसके बाद में माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम नोट डाउन कर लेते हैं ताकि आपको पॉइंट आसानी से समझ में आ जाए। माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस। अब देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, वन। वन यहाँ पर ये है एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमें प्लस में जाना है। और वाई की वैल्यू सेवन है, वाई की वैल्यू आपकी कहाँ पर है, ये सेवन है। तो एक्स के सामने और वाई, हमें क्या करना है, एक्स वन में जाना है और वाई सेवन। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा निकल के आ रहा है, इसको हम नोट कर देते हैं वन कामा सेवन, ये पॉइंट आपको निकल के आ रहा। अब इसके बाद में एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस का 3.5 एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू पे माइनस में जाना है और 3.5, 3 तो ये है आपका और 0.5 आपका एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, यहाँ पर ये पॉइंट आया। अब इसके बाद में वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस का 2। तो माइनस का 2 कहाँ पर है, ये है माइनस का 2, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 3.5, सॉरी एक्स की वैल्यू थी माइनस का 3.5 और आपका था माइनस का 2, ये आपका पॉइंट आया। अब यहाँ से आप इधर अगर आप लाइन को मिलाते हो तो ये क्या लाइन निकल के आती है, देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो ये लाइन आपकी यहाँ पर ड्रा होती है। तो ये लाइन कैसी बन रही है, एक सीधी रेखा बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन रेखा बन रही है, यानी कि रैखिक समीकरण में हमें ये पता चल गया कि ये एक रैखिक समीकरण में एक स्ट्रेट लाइन बनती है, सीधी रेखा बनती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर पर, 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती बहुपद का ग्राफ नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है और ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें ये बताना है आपको कि यहाँ पर द्विघाती, द्विघाती का मतलब क्या होगा, यानी कि कोई इक्वेशन जो दी हुई होगी वो एक एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि कोई एक द्विघाती समीकरण दिया होगा। तो यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा ऐसा ग्राफ है जो द्विघात के समीकरण के बहुपद का ग्राफ नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखिए द्विघात समीकरण में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक पैराबोलिक बनेगा, यू के आकार का बन सकता है, इस तरह से बन सकता है, या इस तरह से बन सकता है, या आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से भी बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए ए पार्ट आपका जैसा मैंने बताया वैसा ही बना हुआ है और बी पार्ट भी आपका द्विघात समीकरण का ग्राफ है और ये सी पार्ट भी आपका द्विघात समीकरण का ग्राफ है। अब बचा कौन सा, ये ग्राफ आपका बचा। तो ये ग्राफ कैसा है आपका, ये द्विघात समीकरण का ग्राफ नहीं है। ये कौन सा ग्राफ है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है आपका, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन का मैंने बताया था आपको त्रिघात, त्रिघात जो समीकरण होता है उसी से रिलेटेड ये ग्राफ है, क्योंकि त्रिघात समीकरण में इसी तरह के ग्राफ बनते हैं। त्रिघात, त्रिघात का मतलब है कि तीन जगह से वो एक्स एक्सिस को कट करता है। यहाँ पर ये देखिए तीन जगह से आपकी एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है, यानी कि त्रिघात समीकरण का ग्राफ है। अब अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव को ग्राफ पेपर पर निरूपित करना है और इसके शून्यांक भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर ये एक इक्वेशन दी हुई है आपकी, इसको हम वाई लेट कर लेते हैं या पी एक्स भी लेट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। ज्ञात करने के लिए हमें फैक्टर करना होगा, तो फैक्टर करने के लिए क्या करना होता है, जो इक्वेशन थी जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें से अगर हम देखते हैं तो ये ए है और ये सी है। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, वन दी हुई है, और ए इंटू अगर हम सी करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है, यानी कि वन इंटू माइनस का फाइव इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का
फाइव आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें फाइव के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें माइनस की वैल्यू क्या है, फोर आए। तो अगर हम करते हैं कि माइनस का फाइव वन इंटू माइनस सॉरी प्लस का वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है माइनस का फाइव। अब इसको हमें ऐसा सबट्रैक्ट करना है या जोड़ना है या घटाना है तो वो वैल्यू आ जाती है आपकी माइनस का फोर। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, माइनस फाइव को अगर हम प्लस फोर वन से ऐड करते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाती है, यहाँ पर माइनस का फोर वैल्यू आ जाती है। यही आपका एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें फैक्टर ऐसे करना होता है क्योंकि जो आपका जोड़ना या घटाना आपकी जो नीड वाली वैल्यू है बी की वैल्यू है उसके इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू इतनी है, ये मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि इसको हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है कोई भी इक्वेशन में। यहाँ पर तो अभी वन दिया हुआ है, यहाँ पर और भी कुछ दे देगा तो आपको मल्टीप्लाई करके ही निकालना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि माइनस फाइव इंटू वन इज इक्वल टू माइनस फाइव है। तो हमें उसी से मतलब जो फैक्टर आया है उसी से हमें क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है। अगर हम यहाँ पर घटाते हैं माइनस वन करते हैं तो माइनस सिक्स आ जाएगा, लेकिन अगर मैंने प्लस वन कर दिया है तो यहाँ पर माइनस की फोर वैल्यू आ रही है। तो यही हमें क्या करना होगा, यहाँ पर नोट डाउन कर देना है। तो इस इक्वेशन को हमें कैसे नोट डाउन करना है, देखिए एक्स स्क्वायर अब माइनस फाइव एक्स हमने यहाँ पर लिख दिया और माइनस का एक्स और माइनस का फाइव यही था। यहाँ पर माइनस एक्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर फोर एक्स है सॉरी प्लस वन, हाँ वन है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मैंने एक्स था और यहाँ पर भी एक्स लिख दिया, वही यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का फाइव एक्स और प्लस एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। और ये इक्वेशन जो लिखी गई है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसको हमें फैक्टर करना है और इसको हमें बहुपद को जीरो को इक्वल कर देना है। पी एक्स बराबर जीरो जो शून्यांक मैंने बताया था, क्योंकि शून्यांक निकालने के लिए उसको क्या करना होता है, जीरो करना होता है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, आप दोनों में देखिए इसमें कॉमन लेना है और इसमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पर आपको एक्स कॉमन मिल रहा है, एक्स कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस फाइव, और यहाँ पर कोई भी कॉमन एक्स माइनस फाइव ऑलरेडी से दिया है तो अगर हम वन कॉमन ले लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्स माइनस फाइव, क्योंकि वन का किसी भी वैल्यू में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स माइनस फाइव ही आता है, इतनी ही वैल्यू आएगा। और कोई भी वैल्यू में आप मल्टीप्लाई करते हो तो वही वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में एक्स माइनस फाइव कॉमन मिल रहा है तो एक्स माइनस फाइव, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं तो इसको हमें क्या करना है, जीरो के इक्वल कर देना है। तो एक्स माइनस अगर हम फाइव को पहले इक्वल करते हैं जीरो के तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आती है, फाइव निकल के आती है। तो यानी कि एक शून्यांक आपका क्या निकल के आया, फाइव निकल के आया, और दूसरा जो शून्यांक है एक्स प्लस वन इक्वल टू हमें क्या निकल जीरो करना है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन आ जाएगी। तो ये आपके दो शून्यांक निकल के आए हैं, एक्स की वैल्यू माइनस वन और यहाँ पर एक एक्स की वैल्यू प्लस कॉमा फाइव। अब वाई की वैल्यू हमें निकालना होगा तभी हमें ग्राफ पेपर में निरूपित करना होगा, क्योंकि हमें जो ग्राफ पेपर में निरूपित करना है द्विघात बहुपद को तो हमें पता है कि पैराबोलिक वो होता है, तो पैराबोलिक ही हमें बनाना है, कुछ और बनना है तो वो गलत है आपका। तो आप यहाँ से आप प्रूफ भी कर सकते हो या आप अपने आंसर का जजमेंट भी कर सकते हो कि हमें ये बताया गया है कि पैराबोलिक ही बनता है द्विघात समीकरण में। अगर आप स्ट्रेट लाइन बना रहे हो तो ये रैखिक समीकरण है, यानी कि आप किसी भी एग्जाम पेपर में पेपर देने जाते हो तो वहाँ पर आपका अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है तो आपको पहले पता है कि हमें पैराबोलिक ही बनाना है, तो हमें किसी न किसी तरह से पैराबोलिक ही बनाना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइव आई है, आप देखिए यहाँ पर दो पॉइंट आ चुके हैं, एक्स की वैल्यू क्या आई है फाइव और एक वैल्यू आई है माइनस का वन, ये दो वैल्यू आई हैं। अगर हम वाई की वैल्यू यहाँ पर से देखते हैं तो वाई की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, अगर हम जीरो जीरो ले लें, क्योंकि ये जीरो जीरो तो ऑब्वियस ही बात है इस कोई भी ग्राफ में होता ही होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये मूल बिंदु होते हैं, जो ओरिजिन होता है किसी भी ग्राफ का तो वो क्या होता है, जीरो जीरो ही होता है। अब हमें यहाँ पर ग्राफ में इसी पॉइंट से इन्हीं दोनों पॉइंटों से हमें क्या करना होगा, एक ग्राफ डिजाइन करना है। तो यहाँ पर हमें क्या, मैंने क्या कर लिया,
एक x एक्सिस मैंने लाइन खींच ली और एक और आपकी y एक्सिस मैंने यहाँ पर लाइन खींच ड्रॉ कर ली। अब देखिए यहाँ पर हमने लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है ये x एक्सिस में, तो अगर मैं अप्रॉक्स में यहाँ पर नोट करूँ तो यहाँ पर 1, ये मैंने आपको कई बार करके बताया है, अभी जस्ट पहले ही एग्जांपल में बताया है, इसी तरह से आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। तो ये x एक्सिस है और ये इधर क्या है y एक्सिस है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ भी 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, 4, 5, 6। अब इधर की वैल्यू क्या होगी, माइनस में रहती है, क्योंकि इस तरफ वैल्यू कैसी रहती है, माइनस में रहती है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपकी माइनस में रहती है, और इधर भी वैल्यू आपकी माइनस में ही रहेगी, -2, -3, -4 और -5। अब देखिए जो मैंने आपको मूल बिंदु बताए थे, ओरिजिन बताया था, ये आपका ओरिजिन है, तो ये एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये क्या है आपका ओरिजिन, ये इन्हों को हम बोलते हैं मूल बिंदु, 0 0। इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 ही होते हैं, ये कभी नहीं बदलते हैं। अब इसके बाद में एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5, एक्स की वैल्यू दी हुई है आपकी 5, 5 कहाँ पर है, ये है 5, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 दी हुई है, -1, ये यहाँ पर -1 है। तो यहाँ से आप पैराबोलिक आप ड्रॉ करते हो तो कैसा आता है पैराबोलिक, ये देखिए यहाँ से आपका जो पैराबोलिक होगा ये ऐसे जाता हुआ जाएगा, ओरिजिन से हमें कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर से ऐसा ही पैराबोलिक होता हुआ जाएगा। आप देख रहे हैं कि दो पॉइंट को मिला करके हमारा एक पैराबोलिक बन रहा है, इस तरह से बनेगा, तो थोड़ा सा बनाया मैंने अपने हिसाब से है, लेकिन बहुत अच्छी राइटिंग मेरी नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि दो पॉइंटों को मिलाना है, तो आप अपने कॉपी में बना सकते हो, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, 8th क्वेश्चन था ये, और यहाँ पर ये आपका निरूपित भी हो गया और उसके शून्यांक भी हमें पता चल गए हैं। अब अगले बाद में क्वेश्चन में जाना है 9th में, ये देखिए त्रिघात समीकरण है, इस त्रिघात समीकरण को भी वही काम करना है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 8th क्वेश्चन में, इसको भी आपको शून्यांक बताने हैं और इसको ग्राफ में भी डिजाइन करना है। तो हमें पहले क्या करना होगा, इसके शून्यांक निकाल लेते हैं, शून्यांक जब निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं px=x³ - 4x। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है x कॉमन, तो यहाँ पर कितना आया, x²-1 = 0 का कर देते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को, तो ये क्या आ जाता है आपका 0 हो जाता है, कोई भी पॉलिनोमियल को 0 कर देते हैं तो उसका शून्यांक निकल आते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर से देखिए, सॉरी यहाँ पर 4 था, x की वैल्यू अगर हम इसको 0 करते हैं तो x की वैल्यू 1 तो आपकी 0 आ गई, 1 तो शून्यांक आपका ये निकल के आ गया, अब दूसरा शून्यांक हमें निकालना है, तो x²-4 = इसको 0 कर देते हैं। तो एक तो मैंने दो तरह से आप इसे निकाल सकते हो, एक तो फार्मूला मैंने बताया था, सर्वसमिका भी बताई थी आपको अगर याद हो, a²-b² = क्या होता है a+b, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a-b, ये आपका होता है, और इससे भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं x-2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x+2 = 0, तो x-2 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर +2 आ जाएगी, यानी कि इतनी वैल्यू आ गई है x की, और एक ये जो शून्यांक आपका निकल के आया था x+2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो ये तीन शून्यांक आपके निकल के आ जाए, मैंने बताए थे कि कोई भी त्रिघात समीकरण में तीन ही शून्यांक आपके निकल के आएंगे, द्विघात में 2 और रैखिक में 1। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर दिया इस सर्वसमिका के आधार पर, अगर ये भी आपको नहीं आता है तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखिए x²-4 = 0, तो यहाँ पर क्या है x² का क्या करेंगे, हम 4 को इधर ले जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा,
और यक से यहाँ पर रूट लगा, सॉरी स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रूट लग जाता है, सॉरी यहाँ पर फोर है, यहाँ पर ये रूट लग जाता है, तो यहाँ पर जो रूट से वैल्यू बाहर आती है तो भी आपके प्लस और माइनस में दो ही वैल्यू आ जाती है। तो ये ऐसे भी आप कोई भी बहुपद का शून्यांक निकाल सकते हो विदाउट सर्वसमिका के आधार पर। अगर आपको सर्वसमिका याद है तो आप सर्वसमिका से ही लगाइए। अब इसके बाद में इसको हमें ग्राफ में भी डिजाइन करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके दो तीन पॉइंट आ चुके हैं तो ग्राफ पेपर में हमें डिजाइन करना होगा। तो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस में वैसे ही काम कर लिया जैसे कि ग्राफ में एक्स एक्सिस बना लिया, ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पर वाई एक्सिस को ड्रा कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हम पॉइंट बना लेते हैं, एक्स एक्सिस को डिजाइन कर लेते हैं पहले। यहाँ पर वन है, टू है, और थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, और इधर क्या आएगी, माइनस की वैल्यू, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, प्लस में टू है, ये देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है, प्लस की टू है, और एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस की टू है, एक तो आपकी ये माइनस की टू है, तो ये दो वैल्यू आपकी यहाँ पर डिजाइन है, और एक वैल्यू आपकी ये दी हुई है, एक्स की वैल्यू जीरो, तो ये कहाँ पर दी हुई है, जीरो। यानी कि मैंने बताया भी था पहले भी कि कोई भी जब ग्राफ बनेगा क्यूबिक इक्वेशन में या तो ये त्रिघात समीकरण में तीन जगह से एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि तीन जगह से ये कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हम इस ग्राफ को यहाँ से खींचते हैं तो ये ऐसे जाता है, फिर यही ग्राफ इस एक्स एक्सिस पे जीरो एक्सिस पे जाता है क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है, फिर यही ग्राफ इस तरह से यहाँ पर से ऐसे टर्न हो जाता है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है, और इसके पहले एक एग्जाम्पल भी मिला था आपको कि बताना था कि वहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कौन सा है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन का ग्राफ यहाँ तक आपका बन गया है, और इसका जो आंसर है ऐसे ही करना है, इस क्वेश्चन में इसी प्रकार से करना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दिए गए चित्र में बहुपद PX का ग्राफ प्रदर्शित है, PX के शून्यांकों को ज्ञात करना है, संख्या केवल बतानी है। देखिए ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, केवल संख्या में आप बता सकते हो। अब मैंने बताया था कि यहाँ पर त्रिघात समीकरण के ये ग्राफ है, एक जगह पर ये कट कर रहा है, सॉरी वाई एक्सिस को कट कर रहा है, और यहाँ पर वाई एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन ये वाई एक्सिस को कट करने से हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर वाई एक्सिस को कट करना है। तो ये त्रिघात समीकरण का ग्राफ नहीं है, हमें किसको देखना है, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, ये जो एक्स अक्ष है वो एक ही जगह पर यहाँ पर केवल कट कर रहा है, ये मूल बिंदु पर। तो यहाँ पर से देखिए एक जगह कट कर रहा है, तो शून्यांकों की जो संख्या होगी यहाँ पर वो कितनी होगी, शून्यांकों की संख्या जो होगी वो वन होगी, कितनी होगी यहाँ पर, वन होगी, बस इसका आंसर केवल यही है। और यहाँ पर इसका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या अति लघुत्तरी में भी पूछ लिए जाते हैं। प्रत्येक आकृति वाई इक्वल टू एफ एक्स, जहाँ एफ एक्स एक बहुपद है का ग्राफ दिया गया है, और प्रत्येक ग्राफ के लिए शून्यांकों को ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ पर हमें जैसे मैंने ऊपर बताया था वैसे ही इसमें शून्यांक बताने हैं। तो इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, दो जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये देखिए, तो इसमें शून्यांक कितने होंगे, इसके दो होंगे। ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक जगह कट कर रहा है, इसके शून्यांक कितने होंगे, इसके भी शून्यांक आपके एक ही होंगे क्योंकि एक ही जगह पर तो कट कर रहा है, और इसको कहाँ पर कट कर रहा है, ये यहाँ पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यांक कितना होगा इसका, इसका भी शून्यांक आपका वन ही होगा। और यहाँ पर देखिए एक, दो और तीन, तीन जगह पर एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है चौथे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर जो शून्यांक होंगे वो कितने होंगे, यहाँ पर शून्यांक आपके तीन होंगे क्योंकि तीन जगह पर एक्स, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को ही देखना है। और आगे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में,
यहाँ पर देखिए कितनी जगह कट कर रहा है, एक ये कट कर रहा है, एक ये कट कर रहा है, और एक यहाँ पर भी सेम दोनों जगह पर कट कर रहा है। तो एक इसके शून्यांक कितने निकल के आएंगे, इसके शून्यांक आपके निकल के आते हैं 4। और यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, एक ये कट कर रहा है और एक ये कट कर रहा है, ये तो आपकी वाई है। तो ये कितने शून्यांक यहाँ पर होंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आपके 2 होंगे। तो ये यहाँ तक मैंने आपको सॉल्व कर दिया है, ये 11 नंबर तक मैंने क्वेश्चन को सारे डिस्क्राइब कर दिए हैं। अब अगले लेक्चर में हम आपको मिलेंगे, और थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो किसी भी स्टूडेंट्स के माइंड में तो हमें ज़रूर शेयर करके बताएं, कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपका डाउट हर हाल में क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।